कोरोना संक्रमण से देश को थोड़ी राहत मिलेगी, अब बर्ड फ्लू ने चिंता बढ़ा दी है। कई राज्यों में भारी तादाद में पक्षियों की मौत हो गई। हरियाणा के पंचकुला में 1 लाख से ज्यादा पोल्ट्री पक्षियों की मौत की खबर सामने आई है। इसको लेकर हरियाणा पशुपालन और डेयरी विभाग ने इसके सटीक कारण का पता लगाने के लिए व्यापक फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है। देश के सबसे बड़े पोल्ट्री इलाकों में से एक पंचकुला से मरने वाले पक्षियों के 80 से ज्यादा नमूने इकट्ठा किए गए। पक्षियों के खून, उन्हें दिया गया भोजन, मृत पक्षियों के जालंधर के क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला RDDL को भेजा गया है। नमूनों को पशुपालन डेयरी विभाग के महानिदेशक डॉक्टर BS लौरा की देखरेख में जब्त किया गया। वही बताया जाता है कि पोल्ट्री पक्षियों के बीच वायरस के अत्यधिक रोगजनक और आनुवंशिक तनाव की संभावना का पता लगाने के लिए नमूनों को जब्त कर लिया गया है। राजस्थान, केरल और मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पोंग बांध झील क्षेत्र में मृत पाए गए कुछ प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की है। राजस्थान में भी कई जिलों के पक्षियों की मौत हुई है। राज्य के विभिन्न जिलों में सोमवार को 170 से ज्यादा पक्षियों की मौत के मामले सामने आए हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार राज्य में 425 से अधिक कौवे, बगुले और अन्य पक्षियों की मौत हुई है। झालावाड़ के पक्षियों के नमूनों को जांच के लिए भोपाल के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भेजा गया था, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, जबकि अन्य जिलों के पक्षियों के नमूनों की जांच के लिए परिणाम अभी तक नहीं मिले हैं। केरल के कोट्टायम और अलपुच्छा जिलों के कुछ हिस्सों में बर्ड फ्लू फैलने की जानकारी सामने आई, जिसके चलते प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में और उसके आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में बतख, मुर्गी, अन्य घरेलू पक्षियों को मारने का आदेश जारी कर दिया है। अधिकारियों ने कहा कि NH8 वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए करीब 40,000 पक्षियों को मारना पड़ेगा। कोट्टायम जिला प्रशासन ने कहा कि निंदूर में एक बत्तख पालन केंद्र में बर्ड फ्लू पाया गया है। करीब 1500 बत्तख मर चुकी हैं। बर्ड फ्लू काफी संक्रामक बीमारी है। NH1 वायरस के कारण पक्षियों के श्वसन तंत्र पर इसका असर पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के पोंग बांध झील अभयारण्य में अब तक करीब 1800 प्रवासी पक्षी मृत पाए गए। केंद्र द्वारा दी गई जानकारी का जिक्र करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव अर्चना शर्मा ने कहा कि बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में मृत पक्षियों के नमूनों की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा उनका विभाग भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज से इसकी पुष्टि का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इस बीमारी की जांच के लिए ये नोडल इकाई है। आगे उन्होंने कहा जालंधर में उत्तरी क्षेत्र बीमारी जांच प्रयोगशाला में भी पक्षियों के नमूनों में फ्लू की आशंका व्यक्त की गई है। कांगड़ा के जिलाधिकारी राकेश प्रजापति ने जिले के फतेहपुर, देहरा, जवाली, इंदौरा उपमंडल में मुर्गी, बतख, हर प्रजाति की मछली और उससे संबंधित उत्पाद जैसे अंडे, मांस, चिकन की बिक्री पर बैन लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश के पोंग बांध वन्य जीव अभयारण्य में वन्य जीव कर्मियों ने पिछले सोमवार को फतेहपुर में सबसे पहले 4 पक्षियों के मौत की सूचना दी थी। इसके बाद कुछ अन्य क्षेत्रों में भी मामले बताते चले। पिछले साल जनवरी के अंत तक 1 लाख से ज्यादा प्रवासी पक्षी यहां आए थे। इस साल अब तक 50,000 से ज्यादा पक्षी पहुंच चुके हैं। अधिकारियों ने कहा बर्ड फ्लू के लिए निर्धारित निर्देशों के तहत मृत पक्षियों का निपटान कर दिया गया है।